कोच का होता है, मुझे तो किसी क्रिकेटर ने जितने भी लोगों से बात हुई उन्होंने कहा यार इनसे पूछो कि फॉरेन कोच ने पाकिस्तान को क्या दिया है। फॉरेन कोच जो है वो एक तो वो ट्रेंड होते हैं पूरे अच्छी तरीके से टीमों के साथ, क्योंकि उनके उनकी जो अपनी टीम है जिससे खेल के आते हैं या जहाँ से एक्सपीरियंस लेके आते हैं वो तमाम प्रोफेशनली होती है हर चीज़, और उसका एक्सपीरियंस जो है वो हमको वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं हमारे ऊपर, मगर हमने उनको इन्वायरमेंट ऐसा दिया ही नहीं होता कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें पूरा, क्योंकि टीम भी हमारा कप्तान अपनी मर्ज़ी से बनाएगा, फिर वो सिलेक्शन भी हमारी मर्ज़ी से होती है, तो वो बेचारे फिर आते हैं। जॉब किसको बुरी लगती है सर, जॉब तो वो ले लेते हैं, मगर वो फिर पीछे पीछे आपने देखा होगा जितने कप्तान आए वो नहीं, जितने, तो कुछ नहीं दिया था, जितने, सर, जितने जितने भी फॉरेन कोच आते हैं वो कप्तान के ताबे होते हैं। अच्छा, और मैंने भी देखा क्योंकि मैं सिलेक्शन में था तो मैंने देखा कि वॉटमोर वगैरह ये वो, तो वो जो कप्तान कहता है वही बोली आपके साथ बोलते हैं। अच्छा, तो इसलिए ये बात आपकी सही है कि मैं तो कहता हूँ कि हमारे मिसबा है, यूनुस है, यूनुस है, ये यूनुस खान हमारा है, वो वकार यूनुस है, अलग है, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनको हमें बुला के ये बात बोलनी चाहिए कि यार छोड़ो पैसा तो तुम लोगों को मिल ही जाना है, कहाँ जाएगा, मगर अब वक्त आ गया है कि आप इन लोगों को बाकायदा प्रोफेशनली ट्रेन करो और हमारे लिए पाकिस्तान के लिए जज्बा भी पैदा करो और आके कोई काम करो ताकि ढंग का काम हो। लड़के सर फॉरेन कोच का तो कोई जज्बा नहीं होगा ना, पाकिस्तान जीते या हारे उसका तो कोई नहीं है, मेरा ख्याल मैरिट भी है, डिमेरिट भी है, उसका कॉन्ट्रैक्ट उस पर डिपेंड करता है भाई, हमारे यहाँ तो ये है ही नहीं ना, अकाउंटेबिलिटी हम लोग करते ही नहीं है, तो इसलिए किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।